नमस्कार दोस्तों, आरसीएन जॉब न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न भर्तियों से संबंधित जानकारी दी जाती है। कोई भी जानकारी हो संक्षिप्त में विस्तृत रूप से देने का प्रयास किया जाता है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश जूनियर हाईस्कूल शिक्षक भर्ती 2020 के बारे में। जूनियर हाईस्कूल में 4000 शिक्षकों के पद खाली हैं। विज्ञापन किस माह जारी होगा इसके संबंध में जो महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है आज मैं आपको दूंगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एडेड जूनियर हाई स्कूलों में लगभग 4000 शिक्षकों व प्रधानाध्यापक के पदों पर भर्ती जल्द होगी। इसके लिए राज्य स्तरीय लिखित परीक्षा का जिम्मा परीक्षा नियामक प्राधिकारी को सौंपा गया है। राज्य सरकार ने इन भर्तियों पर लगे सारे प्रतिबंध हटा लिए हैं। प्रदेश में 3049 एडेड जूनियर हाई स्कूल हैं, इनमें लगभग 4000 पद खाली हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग की पूरी तरह क्रियाशील होने के बाद भर्ती का जिम्मा आयोग का होगा। राज्य सरकार ने बीते वर्ष जून में एडेड जूनियर हाई स्कूलों की भर्ती पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो प्रतिबंध हट चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि विज्ञापन किस माह जारी होगा। साथ ही साथ मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं संक्षिप्त में कि दिसंबर में शिक्षक भर्ती नियमावली में संशोधन किया गया है और कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। जैसे अब ये भर्ती राज्य स्तर पर होगी, भर्ती के लिए लिखित परीक्षा होगी जिसका उत्तीर्णांक भी तय होगा। भर्ती के लिए BTC BEd की डिग्री के साथ स्नातक में न्यूनतम 50% अंक अनिवार्य होगा। आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष जबकि अधिकतम 40 वर्ष होगी। प्रबंधक अब स्वीकृत रिक्त पदों की सूचना जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को देंगे। इसे विभाग के निदेशक के सामने रखेंगे। निदेशक इसका परीक्षण करने के बाद चयन की कार्रवाई करेंगे। तो दिसंबर माह में शिक्षक भर्ती नियमावली में यही संशोधन किया गया है जो मैंने आपको बताया है। अब सवाल उठता है कि विज्ञापन किस माह जारी होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दम सटीक जानकारी है। फरवरी के अंतिम सप्ताह और मार्च के प्रथम सप्ताह तक विज्ञापन जारी होगा, उससे पहले विज्ञापन जारी होने की कोई उम्मीद नहीं है। परीक्षा इसकी मई तक आयोजित की जाएगी। आगे जो भी जानकारी होगी इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। आप हमारे साथ बने रहें इसी प्रकार की जानकारी की।